भाई दूज की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी, उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के दिन में बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलियाँ हैं, वह हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दे, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ते दे देता है। और अब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और आवाज़ लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर तुझसे तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है, तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मानता है यदि सूत कटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता है तब तक बहन बोलती है। भाई बाहर से पुनः आवाज़ लगाता है। भाई की आवाज़ सुन जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात न करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार व स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। और अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सिसते हैं। इधर भाई भूखा कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रही है और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली, मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा था, उसने कहा जान से प्यारा मेहमान आए तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी बहन भोली कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं, तो पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूँ पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं, तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है, ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया होता है। वह उन लड्डू को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन। तब बहन पूछती है, मैंने तुझे तो लड्डू बांधे थे, वो कहाँ हैं, तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं।
पेड़ पर टंगे हैं ले ले। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वही गड्ढा खोदकर लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई दे कर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वह दोनों बैठे वहाँ बात ही कर रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गा रही हूँ। तो वह पूछती है, माता वह कौन भाई है? तब विधाता बोलती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है, यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर वह तुरंत कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें वह सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने के लिए तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी ओढ़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देख माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी है, पता नहीं पर इसे अभी क्या हो गया है। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है, वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है, उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन की इतना बोलते ही आगे का दरवाज़ा टूट कर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलियां हैं पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दुल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ गए? तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होऊंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ
आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर सात घात थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई को टीका करती है और यह कथा को सुनाती है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।